बरगड़ जिला रेशम चाषी दीर्घ तीन दिन जिलापाल कार्यालय आगे धारणा देवा परे शेषे धारणा को स्थगित करछंती। चाषी मानक कहिबा अनुसार सीएसओ आसी 51 चाषी ठारु विवरणी नै 3222 क्विंटल धानर विवरणी संग्रह करथिले, तबे बुधवार संध्या 6टा रे एनै सूचना देबाकू कहिथिले, किंतु ओलटा प्रशासन निज उपर दोष खसाई देछि। आउ धान किणा हेबो नाही कहि निराश करिछि प्रशासन। प्रशासनर एभली कार्य को विरोध करी आगकू चाषी आहुरी तेजीबे बोली कहिछति। तबे बुधवार संध्या रे चाषी माने धारणारु ओहरि जैथिबा जणा पडिछि। कण कहे आज्ञा, तीन दिन है चाषी आंदोलन में बसी के समाधान बाहर के आज कौन प्रकार समाधान नहीं बाहरी पार्ला, कि गणतांत्रिक आंदोलन जेन अच्छे कभी भी विफल ना हुए सेटा आम गोटे प्रमाणित कर पार्लू। आज से लगे आमको बहुत गर्व लगुचे, कारण बरगढ़ जिला प्रशासन कौन प्रकार उत्तर दे ना पारे। टोकन व्यवस्था जेन त्रुटि अच्छे कैं थी लगे आम धान बिक्री ना कर पार्लु, कैं थी लगे आम टोकन लैप्स हो गला, टोकन लैप्स एगेन्स्ट कण किसी उत्तर अच्छे कैं कौन प्रकार उत्तर दे ना पारे। तेणु करें ये आंदोलन के गोटे सफल आंदोलन बोलकर मन करुचु, किंतु आज जेन प्रकार मिछ प्रतिश्रुति गुड़िक ये अंचल विधायिका देते जे कुहा धान भी किणा जावा ओडिशा सरकार तरफ बोलकर से विधायिका बर्तमान देखवार के नहीं मिलवार। और द्वितीय कथा हूँ ये जगह टोकन जेनेट करवर्त समय धान किणा जावा बोलकर सीएसओ महोदय कहले आहत क्या 6 बजे कहन जे धान किणा ना जाए बोलकर। एणुकर शासन प्रशासन के आम निंदा करुँ, ये आंदोलन आवा दिन में जेन गोटे दुर्बार होबार के जाऊँचे से लगे सरकार के चेतावनी दौ आज जेन निष्पत्ति क्रमे जेन धान डा आनीक कलेक्टर अफिस पकईन सीएसओ अफिस पकईन ये धान तो बिक्री न ये धान सरकार के दे देकर से पलाउन। ये आंदोलन संकेत आप कार्यक्रम बुझीपे आम कौन प्रकार हिंसा करवार लगी नहीं चाहबार। चाषी गोटे सरल लोग जेन कष्ट करी धान उत्पादन कर तार मूल्य पावार लगी आईला से मूल्य ना पावार लगी से अमूल्य धान के आज ये कलेक्टर अफिस छाड़कर जा आम तीन दिन है जेन बसी आंदोलन रे धारणा देकर धान गदा कर जिलापाल अफिस् चीफ सीएसओ अफिस् सामने आदि सन्धार आम 7 बजे कथाई अधा घंटार समय नहीं आम उपस्तर के जनकर आपण जनाऊु पहला दिन यहाँ पहला नंबर दिन तापरे तो ना आसी आर का आम जिते अल्टिमेटम देलापुर 2 बजे जी का आम कि आमर दाबी विषय लगे आम कि सूचना ना पाए मुझे आम आंदोलन अलग किसी में आम कि भी निष्पत्ति नेमु अल्टिमेटम आम देलापुर से मैंने आज सकाल बेले 12 बजे चीफ सीएसओ आमको डाकरी आम सा डिस्कस कर समस्या काण क्या केते टोकन के चाषी आउटा आमको हिसाब पूरा मन गोटे हिसाब नहीं जेनटा 51टा चाषी 3222 क्विंटल धान आटा नालापर आप 6 बजे आपको जनामु बोली कहले आज 6 बजे से डाकिक आमको 5-6 जन 4 जन डाकले सेनु डाकिरी आसला से आमको से धान आमर घिना बिका सखालर कथा किसी ना कही आमको गोटे धपाला बगे कहन बरगढ़ जिलार गोटे अफिसर जड़े से अनेक समय आम मार्केट की जाकर आम संगे धान बिक्री बटा नहीं जेन कथा कहले मुई ना कही सब जेनटा कि जार से 15 दिनिया मियाद सरी जावा से आम मार्केट में कही पैक्स वाल को जे तुम्हें पर्चे देखिकी धान मैंने जेनटा गाड़ी पठकर आम नहीं पार्बार से धानटा तुम्हें पर्चे देखे दियो पर नहीं जीव से कहीछन चाषी मानक आम मार्केट आड़े कर सेटा से आमर कि इन कर्तव्य न सब पैक्स बाल्क है पैक्स बाल क्या है रात 11-12 बजे के धान घिनुन आनेकटा मिच कथा कहीछन से मिच कथा कहे आम पाठ पढ़ी आपन के आसी आपन डाकी आम धान घिना बिका के नहींकर 6 बजे कहमु बोले आप कण कौन ना आज तो सिस्टम जेहेतु बंद हो गला न आउ एमएसपी रे तो धान घिना बिका हुए बोले धान अन्य किसी रे से रेट ने मिले गोटे आमर सागे कार लगी से मूल चाल करूले किए जाने गोटे से कार के मिल रो एजेंट आन कि दलाल आन कण आए जे से बोले से तार कथा नहीं कर आम चीफ सीएसओ गोटे जिलापाल आम ताकि अनेक किसम गाली दे गोटे सीएसओ चीफ सीएसओ हेबा लायक लोग से रिजाइन करदे बोली ताकि तु मिज कही आईछू आज एंता गोटे कथा कहबार्टा तु नुएस गोटे चाषी मैंने तीन दिन है मशा चबेकर भूके सुसा इन रास्ता उपरे सुईन तु गोटे बोले से केन मिल लगी
ସେ କାର କାର ଲାଗି କହୁଛେ ଶସ୍ତାରେ ଧାନ ଆମର ଏ ଧାନ ଘିନ୍ଦି ତାପରେ ସେନୁ ତ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ସରିଗଲାନ ଆଜି 30 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଚିଫ୍ ଏସ୍ଓ ଆଡ଼ୁ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ସମାଧାନ ନାଇଁ ପାରିଲା ଏହାଦେ ଚାଷୀମାନେ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି କାଣା କରିବେ ନା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆମେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛୁ ଧାନ ସରକାର ଯେତେ ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ ପ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ସେଇଟା ସରକାର ଘିନ୍ବାର କଥା ଆମେ ବାର ବାର କହେମୁ ଆମେ କେନ୍ ପାକିସ୍ତାନନୁ କି ବାଂଲାଦେଶନୁ ହେଲା ଚାଷୀ ନୁହେଁ ସେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଆମେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମର ଜମି ଯେନ୍ଟା ଆମର ନାଁରେ ଅଛି ସେ ଜମିକି ନେଇକି ଆମେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛୁ ଆମର ଧାନ ଯେତେ ବିକିବାର କଥା ଆମର ହକ୍ ଏ ଆର୍ ଏ ଜାଗାରେ ସରକାରକେ ଗୋଟେ ଧିକ୍କାର ଆଏ ନାଇଁ ନ ବୋଲି ଭାବୁ କି କେନ୍ କିସ୍ମର ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସରକାର ଯେଇନୁ ଯେ ଯହ କିଛି ନା ଆମେ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତୁମେ ଆମର ଧାନ ଘିନି ନେଇ ପାରିଲ ତୁମେ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼େ ତୁମର ମନମାନି ଚରିଛ ଗୋଟେ 12 ଦିନିଆ 15 ଦିନିଆ କରିଛ ଆମେ ଯହ ତ ତୁମେ ଯେନ୍ଟା କହିଛ ସେ ଧାନ ତ ନେଇଯ ତ ବୋଲେ ଆମେ ଧାନ ଆମର ବିକିବାର ଲାଗି କିଛି ଆମେ ଧାନ ତ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି ସିଏ ସୋ କହିଲନ ଯେ ଘିନା ବିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆମେ କାଣ ମାନେ ଗାଁକେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଆମର ସବୁ ଧାନ ଆଣିକିରି ପକେଇଦେମୁ ଆମେ ଆମେ ଧାନ ମାନେ ଆଣିକିରି ଭେଡ଼େନରେ ବରଗଡ଼ରେ ଆଣିକିରି ଯେନ୍ ମାନେ ଇ ଘିନା ବିକା ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ସେ ଧାନ ମାନେ ଆଣିକିରି ସବୁ ଆମେ ପକେଇଦେମୁ ଇନ ଅଫିସ ମାନଙ୍କୁ ସେଟା ପ୍ରଶାସନର ଜିମା ଦେମୁ ହଁ ଚାଷୀ ଉଠବେ ଆମେ ଗାଁକେ ଯାଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଧାନ କିନ୍ତୁ ଆସିବା ବାପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।